दरगाह थाना अंतर्गत नवजात का गला दबाकर दफनाने की सूचना निकली झूठी। 1.5 साल के बच्चे की इलाज के दौरान अस्पताल में हुई थी मृत्यु। पिता अस्पताल को बिना बताए ले आया शव। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। दरगाह थाना प्रभारी रमेंद्र सिंह हाड़ा ने बताया कि थाने पर जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि एक नवजात का गला दबाकर उसे मार दिया गया है और दफनाने की तैयारी की जा रही है। सूचना पर दरगाह थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पता चला कि लखनऊ के रहने वाले पिता और अजमेर की रहने वाली मां का 1.5 साल का बच्चा, जिसका नाम शाहबाज है, की इलाज के दौरान मृत्यु हुई है और उसे दफनाया जा रहा है। इस पर अस्पताल से रिकॉर्ड मंगाकर जांच की तो बात सही निकली, लेकिन बच्चे के शव को अस्पताल प्रशासन को बिना बताए ही ले आया और दफनाने की तैयारी कर रहा था, जिस पर धारा 174 की कार्रवाई करते हुए मर्ग दर्ज कर बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया। बच्चे को मारकर दफनाने की बात झूठी निकली है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं COVID-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, BPharma और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। हाँ जी सर, बताइए कि अंदर कोर्ट में कोई बच्चे का मामला आया है सामने, क्या मामला है सर? थोड़ा थाना दरगाह पे जरिए टेलीफोन हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि किसी लड़के को गला दबा के उसको मार दिया गया है। इस इतला के ऊपर हम मौके पर पहुंचे, जहां पर पता चला कि पति पत्नी थे जिनका एक बेटा था 1.5 साल का, शाहबाज उसका नाम था, जिसको बीमार होने पर हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया। जेल इलाज बच्चे की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसके पिता ने बिना इन्फॉर्मेशन दी उस बच्चे को लेकर घर आ गया और दफनाने की तैयारी कर रहा था। हमने जाकर मौके पर जांच की और हॉस्पिटल से रिपोर्ट्स का पता कराया तो बच्चा वाकई में एडमिट था, जिसकी मृत्यु वहीं पर हुई थी। इतला जो थी वो बिल्कुल झूठी थी, लेकिन फिर भी बच्चा, चूँकि बच्चे की मौत का मामला है, हमने 174 की कार्रवाई की, मार्ग दर्ज किए और पोस्टमार्टम के पश्चात ही डेड बॉडी को माँ बाप को सपोर्ट किया। सर कहाँ के रहने वाले थे? पिता है लखनऊ का रहने वाला है और जिसकी माँ है वो अजमेर की रहने वाली है। ठीक सर, डेट प्लस लाते खत्म हो गया। तो फिर आपने वहाँ से भाग के क्यों आए यहाँ पे? सर इनको लेने आए थे। हाँ उधर ही आया ना भाई, तो फिर वहाँ क्यों वो बच्चे को उधर क्यों रख के आए थे? नहीं सड़क चौकी के उधर चुपचाप थे। वो तो नहीं सड़क चौकी के पास मिला थे। हाँ गेट पे ही खत्म हो गया। कहाँ, कौन से गेट पे खत्म हुआ था? बाल लेके निकला, मेन गेट पे खत्म हो गया। हाँ मेन गेट, तो आप पूछ के आए थे क्या? थोड़ा करीब आ, क्या नाम था तुम्हारे बच्चे का? सहबाज। हाँ सहबाज। कितने साल का था? साल भर का। रहने वाले कहाँ के हो? मैं तो बाहर का हूँ। कहाँ के? तो बाहर के, सुल्तानपुर UP। हाँ बच्चा कहाँ एडमिट था? जेल में है? तो जब आप वहाँ से बिना बताए आ रहे थे, जब जिंदा था क्या बच्चा? हेलो, वहाँ से पलट गई थी, वहाँ पे ठंडा हो गया था बच्चा, जिंदा था। आप मैं जा रहा हूँ, जैसे सर बोले किसी को साथ में ला, मैं वहाँ अकेला था सर। मैं सोचा सर बच्चे लेके जाऊँगा, अपनी वाइफ को लेके आऊँगा, फिर अपन हम लोग भर्ती कर वापस से भर्ती हो जाएंगे बच्चे। तो आप बिना बताए अंदर कोर्ट ले आए थे बच्चे को? हाँ सर। ठीक है, और जब वो बच्चा मर चुका था? मेन गेट पे लाया था। ठीक है, जेलन के मेन गेट पे पहुंचा, बच्चे का इंतकाल हो गया। तो आपने चेक क्यों नहीं करवाया, बिना बताए इधर आ गए थे? तो सर मैं इनको लेके लेने। अच्छा, तो फिर नहीं पाया था। तो फिर आप वहाँ पहुंच गए थे नई सड़क चौकी के यहाँ पर बच्चे को लेकर? हाँ। चुपचाप क्यों दफना रहे थे आप? दफनाया नहीं था सर, रखा था जैसे मैं बोला। तो आप उधर क्यों लेके गए थे सर? जैसे मकान, आपको तो हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था। मकान मालिक बोलता था घर पे ले जाओ, जब लेके जाता था पहले मकान मालिक से पूछने गए थे वहाँ रख के। आपका ही बच्चा था ना वो? तो आप ऐसे क्या? देखो सर किराए पे रहेंगे तो कोई ये तो मना नहीं करेगा ना कि बच्चा मत लाओ, फालतू बातें मत करो। आप बच्चा क्यों रख के आए थे वो बताओ? इनकी गलती है। नई सड़क चौकी के पास बच्चा क्यों रख के आए थे? घबरा गया था सर। फिर अभी क्या हुआ बच्चा? अभी तो पोस्टमार्टम में है। मेरी पूरी फैमिली बैठी है सर, पोस्टमार्टम में है। पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम में। क्या नाम था बच्चे का? शाबाश। और आपका क्या नाम है? अहमद। अहमद सुल्तानपुर के रहने वाले। चलो ठीक है।